हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर सर्च के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हमें इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि हमारा जो एरे है वो एसेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा नंबर है वो जीरोथ इंडेक्स पोजिशन पे होगा, उससे बड़ा नंबर फर्स्ट पोजिशन पे, उससे बड़ा सेकेंड पोजिशन पे। इस तरह से हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो लास्ट इंडेक्स पोजिशन पे होगा। लीनियर सर्च की तरह बाइनरी सर्च में हम सारे ही एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे, हम इस एरे को पार्ट बाय पार्ट चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एरे कुछ इस तरह से है और हमें सर्च करना है नंबर 70, तो इस टेक्निक के हिसाब से हमारा पहला स्टेप है फाइंड मिडल पोजिशन। अब ये मिडल पोजिशन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। इस एरे के लिए हमारा जो लोअर बाउंड है वो है 0 और अपर बाउंड है 7, यानी 7 डिवाइड बाय 2 मतलब 3.5, लेकिन इंडेक्स पोजीशन तो 3.5 नहीं होगा, तो देखना होगा इंटीग्रल पार्ट यानी कि 3। तो हमारा मिडिल पोजीशन हो गया 3। तो इस टेक्निक के नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से हमें ये देखना है कि हमें जो नंबर सर्च करना है वो इस मिडिल पोजीशन पे है या नहीं। तो ये नंबर 70 नहीं, ये है 15। इस 15 वैल्यू से बड़े नंबर्स उसके राइट साइड में और उससे छोटे नंबर्स उसके लेफ्ट साइड में है, और 70 नंबर 15 से बड़ा है। तो नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से मिडल पोजीशन के राइट साइड के पोर्शन में ही हमें सर्च करना है, इसलिए हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा मिडल पोजीशन प्लस 1 यानी कि 4, और अपर बाउंड तो सेम ही रहेगा जो है 7। अब फिर से मिडल पोजीशन देखते हैं, तो मिडल पोजीशन होगा 4 प्लस 7 माने के यानी कि 11 डिवाइड बाय 2 यानी 5। तो क्या इस पोजीशन पे हमारा वैल्यू 70 अवेलेबल है? यहाँ नंबर है 45। अब क्योंकि 70 नंबर 45 से बड़ा है, हमें लोअर बाउंड को फिर से इंक्रीज करना होगा, यानी कि अब लोअर बाउंड हो जाएगा मिडिल पोजीशन प्लस 1 यानी कि 6, और अपर बाउंड तो सेम ही रहेगा यानी कि 7। तो मिडिल पोजीशन होगा 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6, और इस पोजीशन पे हमारा नंबर 70 अवेलेबल है, इसलिए रिजल्ट होगा नंबर फाउंड। अब अगर हमें नंबर 7 सर्च करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हम देखेंगे मिडिल पोजीशन। तो जैसे कि हमने देखा था 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, तो मिडिल पोजीशन हो जाता है 3। तो क्या इस थर्ड पोजीशन पे हमारा नंबर 7 अवेलेबल है? तो यहाँ हमारा नंबर है 15, 7 नहीं है, लेकिन 7 नंबर 15 से छोटा होने के वजह से हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करना होगा, इसलिए हमारा लोअर बाउंड तो 0 ही रहेगा, लेकिन अपर बाउंड हो जाएगा मिडिल पोजीशन माइनस 1 यानी के 2। अब फिर से मिडिल पोजीशन सर्च करना होगा, तो मिडिल पोजीशन हो जाएगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 यानी के 1। तो क्या इस फर्स्ट पोजीशन पे हमारा नंबर 7 अवेलेबल है? और यहाँ नंबर 7 हमें दिख रहा है, इसलिए रिजल्ट होगा नंबर फाउंड। अब ऐसा नंबर यहाँ पे सर्च करते हैं जो इस एरे में नहीं होगा, तो सर्च करते हैं नंबर 17। अब स्टेप्स के हिसाब से हमें मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करना है जो है 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 यानी 3। तो क्या इस पोजीशन पे नंबर 17 है? तो ये नंबर यहाँ नहीं है, यहाँ नंबर है 15, और 15 नंबर 17 से छोटा है, यानी कि हमें इस 15 के राइट साइड पे सर्च करना होगा, इसलिए हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा 3 प्लस 1 यानि 4, और अपर बाउंड तो वही रहेगा। सो 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 यानि हमारा अब मिडल पोजीशन हो जाएगा 5। तो क्या हमारा जो नंबर 17 है वो यहाँ अवेलेबल है? तो यहाँ ये नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब हमें इस मिडल पोजीशन के लेफ्ट साइड पे देखना होगा, क्योंकि 17 नंबर फिफ्थ पोजीशन के नंबर यानी 45 से छोटा है, इसलिए अब हमारा लोअर बाउंड जो है वो तो 4 ही रहेगा, लेकिन अपर बाउंड भी कम हो जाएगा यानी के 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। तो
अब हमारा मिडल पोजीशन होगा 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 यानी 4। तो क्या इस फोर्थ पोजीशन पे हमारा नंबर 17 अवेलेबल है? तो यहाँ पे भी हमारा नंबर 17 अवेलेबल नहीं है और नंबर 17 25 से छोटा है, इसलिए अब हमें अपर बाउंड को चेंज करना होगा और अपर बाउंड होगा मिडल पोजीशन -1 यानी कि 3। लेकिन अब हमारा लोअर बाउंड है 4 और अपर बाउंड है 3, ये नहीं हो सकता। यानी कि अपर बाउंड कभी भी लोअर बाउंड से कम नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट होगा नंबर नॉट फाउंड। अब इस प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि इस प्रोग्राम के लिए हमारे वेरिएबल्स कौन से होंगे। तो वेरिएबल्स होंगे लोअर बाउंड के लिए, अपर बाउंड के लिए और मिडल पोजीशन के लिए। इसके अलावा हमें एरे डिक्लेयर करना होगा और जो नंबर हम सर्च करने वाले हैं उसका इनपुट करना होगा। अब सर्च नंबर के लिए इनपुट कर लेते हैं, जिसके लिए दो स्टेटमेंट प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ इंडिकेट करेगा कि हमें नंबर इनपुट करना है और स्कैनएफ इनपुट करेगा। अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए वैल्यू असाइन कर लेते हैं, लोअर बाउंड का 0 और अपर बाउंड का 7। अब लिखेंगे मिडल पोजीशन के लिए फॉर्मूला, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। अब लिखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन, नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू वी ऑफ एम, यहाँ पे वी हमारा एरे का नाम है। दूसरा, ग्रेटर के लिए, यानी के नंबर ग्रेटर देन वी ऑफ एम। और तीसरा, लेस देन के लिए, यानी नंबर लेस देन वी ऑफ एम। अब अगर नंबर इक्वल वी ऑफ एम है तो डिस्प्ले करेंगे, यानी प्रिंटएफ लिखेंगे नंबर फाउंड। और अगर नंबर वी ऑफ एम से ग्रेटर है तो होगा लोअर बाउंड का वैल्यू m प्लस 1। और अगर नंबर लेस देन v ऑफ m है तो लिखना होगा अपर बाउंड का वैल्यू, यानी कि अपर बाउंड का वैल्यू चेंज होगा m माइनस 1। अब ये दोनों स्टेप्स, यानी कि फाइंड द मिडल पोजीशन और कंडीशन का स्टेप रिपीट करेंगे जब तक के लोअर बाउंड अपर बाउंड से कम है। इसलिए दोनों स्टेप्स को व्हाइल लूप में लिखना होगा। अब अगर नंबर फाउंड हो जाता है तो हमें ये लूप को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नंबर फाउंड करने के बाद हम लिखेंगे ब्रेक। इसका मतलब ये जो लूप है ये दो वजह से टर्मिनेट होगा, एक तो ब्रेक लिखने के वजह से या फिर इस लूप का कंडीशन फॉल्स होने के वजह से। अब अगर ये लूप व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होने के वजह से एंड होता है, यानी के अगर लोअर बाउंड का वैल्यू अपर बाउंड से बड़ा हो जाता है तो हमें डिस्प्ले करना है नंबर नॉट फाउंड। थैंक यू। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।